अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर रमज़ान है और मैं आज आपको गूगल समर ऑफ कोड के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दो दफ़ा गूगल समर ऑफ कोड स्टूडेंट बन चुका हूँ, एक दफ़ा मैं गूगल कोड इन्वेंटर बन चुका हूँ और मैं अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। गूगल समर ऑफ कोड एक टैलेंट हंट है, एक अपॉर्चुनिटी है एक यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, प्रोग्रामर्स, कोडर्स, डेवलपर्स जो कंप्यूटर की फील्ड में, सॉफ्टवेयर की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें लगता है उनमें कुछ टैलेंट है तो वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गूगल समर ऑफ कोड हर साल ओपन होता है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछले 15 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है और पिछले 14 साल में सिर्फ 27 पाकिस्तानी स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो चुके हुए हैं। उन 27 में दो दफ़ा मैं शामिल हूँ और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें 25 स्टूडेंट्स में से 10 के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उस वक्त सेलेक्ट हुए जब वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही नहीं थे, मतलब वो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे। ऑन दी अदर हैंड सिर्फ एक साल 2018 में इंडिया से 641 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और 14,000 स्टूडेंट में 27 स्टूडेंट का मतलब ये है कि हर 1,000 स्टूडेंट में 2 से भी कम पाकिस्तानी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो बात करने का सिंपली आम बंदे के लिए ये मतलब है कि ये क्या है, ओपन सोर्स एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब आपको दुनिया मानती है आपकी, आपको सबसे पहले, फिर आपकी यूनिवर्सिटी को, फिर आपके मुल्क को। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये टॉप के प्रोग्रामर्स होते हैं, टॉप के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि आजकल हमारे वज़ीर-ए-आज़म जाते हैं और बड़ी मुश्किल से अदारतें लेते हैं और $3 अरब का लेते हैं और वो ऐसे कहते हैं कि यार हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है, इवन मुल्क एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, $3 अरब उसके लिए कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड देखें इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी क्या वर्थ है। आपको मैं बताता हूँ कि व्हाट्सएप मेरे जैसे आपके जैसे आम स्टूडेंट्स ने बनाया और वो $18 बिलियन में बिका है सिर्फ एक प्रोजेक्ट। ये 6 गुना ज़्यादा है एक मुल्क को उधार देने से, मतलब वो उधार दे रहे हैं उन्हें वापस लेना और उसे हम एज अचीवमेंट गिन रहे हैं और हमारी हिम्मत हम नीचे जा चुके हैं। तो ये कंपेयर हम इसलिए कर रहे हैं, आपको मैं इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आप अगर इस फील्ड में आते हैं तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बहुत आगे चले जाएँगे। आप ये देख लें कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें IT स्पोर्ट्स में तो जो देनी है, IT स्पोर्ट्स में हम उस वक्त तक कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम अपना आप प्रूव नहीं कर सकते इस तरह के प्रोग्राम्स में। लाइक गूगल एक कह सकते हैं कि बादशाह है चीज़ों का। दूसरे पर्सपेक्टिव में आप अगर देखते हैं तो तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर जॉब्स कर रहे हैं और ज़्यादातर लेबर जॉब्स कर रही हैं अरेबियन कंट्रीज़ में और वो हमें फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, हमारा मुल्क चलता है। अब आने वाला दौर रोबोटिक्स का है, मतलब लेबर जॉब्स कर रहे हैं, स्किल वर्कर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, स्कॉलर्स नहीं है, वो जस्ट लेबर है, ठीक है, और ये सारी लेबर जॉब रोबोटिक्स करेंगे तो फिर वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही होगा। तो अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें तो वो अपनी IT एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ा चुका है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका GDP $317 बिलियन के, मतलब उसके सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व्स हैं 317 और हमारे 7, ठीक है। तो अगर हमें मुकाबला करना है तो इन चीज़ों में मुकाबला करना है, इन चीज़ों में हमें पार्टिसिपेट करना है, दुनिया को अपना आप दिखाना है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। तो मकसद भी इसका आप लोगों तक इसका पैगाम पहुँचाना है कि ये कैसे बेनिफिट कर सकती है आपको। आपको करना क्या, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आपके पास अगर टैलेंट है तो आप सिलेक्टेड हो, आपका मुल्क, आपका मज़हब, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी डिग्री, आपकी लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, आपका टैलेंट मैटर करता है और वो आप लर्न कर सकते हो। उस पर डेफिनेटली मैं एक मैसेज कंपेयर कर रहा हूँ। और अभी आपने ये करना है कि summerofcode.withgoogle.com की वेबसाइट खोलनी है, ऑर्गेनाइजेशन के टैब पे जाना है, अपनी मर्ज़ी की ऑर्गेनाइजेशन लेनी है, अपनी मर्ज़ी का आइडिया लेना है और वो आपने डेवलप करना है और आपको उसको डेवलप करने का 4 से 5 लाख रुपया मिलेगा। आपको गूगल का एक वाइस प्रेसिडेंट एक सर्टिफिकेट जारी करेगा और आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाओगे। मुझे ताहिर रमज़ान कहते हैं और आप किसी भी वक्त मुझसे इसमें हेल्प ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।